कौन सा पहनोगी ईद वाले दिन? ये वाला आपने? मैं तो वो ये वाला पहनूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद। तो जैसा कि आपको पता है, ईद ईद से ना सिर्फ तीन जता चार दिन बाकी रह गए हैं, तो बच्चों के कपड़े और अम्मी अबू सब के कपड़ों की जो है सिलाई जो है ना वो हो गई है। तो मैंने उनको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि इसलिए हो गया, आकर ले जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं आप सब बहन भाइयों को दिखाऊंगी ईद की शॉपिंग जो मैंने बच्चों के लिए की है, अम्मी के लिए, सबके लिए जो की है, वो सब कुछ इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। तो अपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं, इंशाल्लाह कपड़े लेकर आती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकर आ गई हूँ बच्चों के लिए, हो गए थे तो मैं लेकर आ गई हूँ। और इतना वजन है ना बहुत ज्यादा, ये जूता भाई ने अपना दिया, ये ले चला था। तो कपड़े जो है ना मैं ले आई हूँ बाहर, और अभी आप सब बहन भाइयों को दिखाती हूँ सबके सूट माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे स्टिच हुए हैं, और आपको दिखाती हूँ अभी सारे खोल। अस्सलाम वालेकुम, लैब अभी वीडियो बना रही है मेरी। और भी जी बच्चे भी आ गए हैं, कैसे हो जमेल? ठीक हो? अहमद कैसी है? ठीक हो? सुबह से मुझे कह रहे थे, तंग कर रहे थे, संभाल रहे थे, बार बार मुझे सुबह उठ के ना कहा है कि आप ही जाओ कपड़े ले आओ, हमारे कपड़े ले आओ, अभी वीडियो बना रही है समाविया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अभी सोई हुई थी, अभी उठी है, मैंने कहा उठो आज आज शॉपिंग आ जाओ बच्चो, सुबह से देखने के लिए बेताब से। अब कहाँ भाग रहे हो? पहले किसका दिखाऊँ? पहले पहले पता नहीं मुजम्मिल को दिखाते हैं। मुजम्मिल को दिखाते हैं, आ जाओ मुजम्मिल, पहले मुजम्मिल के कपड़े दिखाते हैं जी। ऐसा ऐसा कैसे प्यारा लग रहा है ना। अच्छा जी, सबसे पहले जी मुझे मिल जी, असल में दुपट्टे हैं इसलिए मैंने इनको साइड पे कर दिया है। तो सबसे पहले जी मुजम्मिल का सूट दिखाते हैं जी। मुजम्मिल का एक सूट ये लिया है माशाल्लाह। कैसा है? यार ये कलर पहना है पहले? नहीं पहना ऐसे। एक ये सूट, इसके साथ ये शलवार, इसकी सिलाई करवाई है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैं सोच रही थी कि पैंट शर्ट ले लेती हूँ, लेकिन फिर अब गर्मी आ रही है तो मैंने इसलिए कहा कि गर्मियों के हिसाब से। हाँ हुरिया भी आई हुई है, हुरिया अपने दिखा रही है, हुरिया आपने भी अच्छा प्यारा पहना हुआ है फ्रॉक। हाँ, हाँ। हुरिया ने भी बहुत प्यारा पहना हुआ है। तो अभी ये दूसरा सूट है जी मुजम्मिल का, काटन का। ये देखो ये दो कलर लिए हैं मैंने मुजम्मिल के, माशाल्लाह इकट्ठे हो गए हैं, साथ पड़े हुए थे ना तो बच्चों ने आते ही पहले इसको वो ना निकाल निकाल ना देखने लग गए। मैंने कहा जब खोलूंगी तो फिर देखना, अभी तक इन्होंने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, लैब ने भी नहीं देखा। अम्मी आपको भी सूट ले आई हूँ, दिखा रही हूँ। तो ये मुजम्मिल के हो गए दो सूट, कौन सा ज़्यादा पसंद आया सूट? ये वाला सदके। अच्छा जी मुजम्मिल को ग्रीन कलर का ज़्यादा पसंद आया जी। तो अभी जी बारी आती है जी अम्मी के सूट की, अम्मी का सूट दिखाते हैं सबसे पहले। एक सेकेंड, ज़्यादा तो सारे आपस में वो हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अम्मी कुछ दुपट्टे जो ना वो पिको करवाने वाले रहते हैं, वो एक दो दिन पहले मैं जाकर ना करवाऊँगी। दुपट्टा आपका ले आएंगे वो। सेकेंड अंदर क्या नहीं? हाँ जी ये रहे दुपट्टे अम्मी आपके, ये मैं ले आई हूँ सारे बाहर। अच्छा जी अभी बारी आती है अम्मी के सूट की। तो ये है जी अम्मी का सूट, इस दफ़ा मैंने आपका गला बहुत ही छोटा रखवाया है, बार बार आपको अब वो कहते हैं कि दुपट्टा सेट करो, वीडियो बनाते हुए मुश्किल होती है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि छोटा रखना है गला। ये देखो जी अम्मी का सूट बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। ये देखो ये कलर लिया है, सही है जी। ये देखो ये पीछे से इसका गला भी बना हुआ है, और ये बैक साइड ये देखिए, ये अम्मी का सूट हो गया, फिर हम इसको बाद में लपेट लेंगे। और ये होगी शलवार साथ में, और ये अम्मी का दुपट्टा है माशाल्लाह। अम्मी के दुपट्टे की पीको करवानी है अभी, ये देखें इसकी कन्या एक समाविया के दुपट्टे की पीको कराने के लिए मैंने वो दे दिया, क्योंकि वो उसी वक्त काले रंग का था ना समाविया का सूट, तो मैंने उधर दे दिया, लेकिन बाकी फिर मेरे साथ थे ही नहीं दुपट्टे, ये घर पे थे तो फिर जाऊँगी करवाऊँगी। देखिए कन्या वगैरह पीको करवानी है, तो ये बड़ा सा दुपट्टा है अम्मी का, ये देखो। तो आप सब ने पूरी वीडियो देखनी है, फिर आप सब ने बताना है कि कौन से किसके सूट, वैसे सबके प्यारे हैं, फिर आपने बताना है कि किसके ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा जी अम्मी का हो गया, मुजम्मिल का हो गया। चलो जी अभी बारी आती है जी अहमद के कपड़ों की, अभी अहमद के कपड़े दिखाते हैं।
अच्छा ऐ मरना दुपट्टे नहीं पहनती, इसको एक दुपट्टा ले दूंगी वो जारी वाला वही पहनेगी, वरना ये दुपट्टे पहनती नहीं है। हाँ दुपट्टे नहीं पहनती, मुझे कह रही थी कि मेरा दुपट्टा लेकर ना आना। तो अभी भी देखो ऐसे ही दुपट्टा नहीं किया, ऐसी प्यारी लगती है, वैसे अभी छोटी है। तो ये देखिए जी, ये अमन का मैंने फ्रॉक बनवाया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लोन का है। मैंने कपड़े वही लिए हैं जो मतलब कि बच्चे गर्मियों में भी पहन सकें। रेशमी सूट तो वैसे भी शादियों पे लिए थे, इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, तो मैंने कहा उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये लोन का फ्रॉक मैंने बनवाया है, कितना प्यारा है। अमन कैसा लगा? प्यारा है। आपने कहा था ना कि मैंने रेड कलर का लेना है, तो रेड और येलो में है। ये देखो ये फ्रॉक हो गया साथ में, और साथ में इसका ये पजामा रेड कलर का, ये साथ में मैचिंग है। ये अमन का एक सूट ये हो गया, और अमन का दूसरा सूट है जी, अमन का दूसरा फ्रॉक ये है। अमन कैसा लगा? ये है जी अमन का दूसरा फ्रॉक, ये देखें ब्लू कलर का, ये हो गया फ्रॉक, इसके साथ ये पजामा। ये देखिए ये मैंने मैचिंग करके इसके बाजू भी ये वाले बनवाए हैं मैचिंग करके, बहुत ही प्यारे सब कैसे बने हुए हैं। ये जो सूट है ना, ये डिज़ाइन ये मुझे इतना पसंद है ना, मैंने लहबा के लिए भी लिया है, समावे के लिए भी लिया है, इसी तरह का कलर चेंज है बस, डिज़ाइन जो है ना वो सेम है। मैंने कहा बाद में फिर ये लड़ेंगी, कहेंगे इसका डिज़ाइन दूसरा है मेरा दूसरा है, मैंने कहा एक जैसे ले लूँगी ना। तो फिर तो अभी अमन के दो सूट हो गए, मुजम्मल के हो गए, अम्मी का भी हो गया, तो अभी दो दो सूट मैंने सबके लिए हैं। और बाकी अभी रहते हैं जी समाव्या का सूट, सबसे पहले समाव्या का दिखाते हैं जी। समाव्या का ये वाला था ब्लैक, ये समाव्या का है जी। हंसी कैसे निकल रही है तो आएगी, कैसा लगा समाव्या? बहुत अच्छा है। तो ये है जी समाव्या का फ्रॉक, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, आपने तो मेरी पसंद का ख्याल रखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे पता था आपको ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसलिए ले लिया। और ये इसके साथ में ना शलवार है, तो इसमें ब्लैक कलर का वो हुआ है, तो ये फ्रॉक हो गया। ये समाव्या का एक सूट ये हो गया, और अब समाव्या का दूसरा सूट दिखाते हैं, वो देखो कितना प्यारा उसका कलर देखो। फिर वेट 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 गाती होगी। अच्छा इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया पहले कपड़े के, आप लोग कपड़े आए हुए या इनको सिर्फ पता था कि मैं ले आई हूँ, इनको मैंने खोल के नहीं दिखाया, अभी देख रहे हैं सब कपड़े ना। तो अभी दिखाती हूँ समाव्या का सूट जी, इसका दुपट्टा एक सेकेंड। असल में दुपट्टे पहले मैं ले आई थी इस वजह से। अच्छा जी ये है जी समाव्या का दूसरा सूट, जो कि बड़ा ही अच्छे वाला मैंने सूट लिया है लोन का। समाव्या को बहुत पसंद है ऐसे, कैसा लगा समाव्या? कितना प्यारा डिजाइन है ना, है ये फ्रंट है समाव्या के सूट की, और ये जो है ना बैक साइड, ये देखें कलर देखो कितना प्यारा, कलर पहना भी नहीं है आपने पहले ऐसे ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर है। तो ये हो गया, मैंने फ्रॉक सिलाई करवाया है क्योंकि बच्चे हैं तो इनको फ्रॉक अच्छे लगते हैं। और ये जो है इसके साथ होगी सलवार सिलाई, और ये इसका दुपट्टा है जी समावे के सूट का, यही है ना? ये तो मेरा है। एक सेकंड दूसरा है मुझे लगता है, नहीं नहीं यही है, यही है, ये साथ मैच करता है, ये इसके साथ मैच कर रहा है ना, मैं भूल गई हूँ। असल में इतनी कंफ्यूज हो गई, मतलब कि साफ इतने सारे कपड़े लेने थे तो मुझे पता भी नहीं चला किसका कौन सा दुपट्टा है किसका कौन सा, यही है दुपट्टा इसका, यही साथ है। ये देखो ना ये मैच कर रहा है। तो ये दो सूट हो गए समाव्या के, कैसे लगे समाव्या? अमन आपको? अच्छा जी अभी लहबा की बात आती जी, सबसे पहले लहबा की, तो लहबा का ये वाला कलर लिया जी मैंने, कैसा? सही है, ये भी मैंने फ्रॉक बनवाया इन इनके ना, ये वाला सूट मैंने सेम लिया है ताकि ये अच्छी लगेंगी सब एक जैसे, एक ही दिन पहना ठीक है, पहले दिन या दूसरे दिन जब भी पहना आपकी मर्जी है, लेकिन एक ही दिन पहनना है ठीक है सबने, बहुत प्यारे लगेंगे सबको एक ही दिन में। पहले दिन देखना, ये लहबा का फ्रॉक है जी, और ये साथ सलवार। तो समाव्या का ये जो है ना लहबा का दुपट्टा, एक सेकंड ये रहा इसके साथ, ये लहबा का दुपट्टा है साथ में, और समाव्या का जो ब्लैक कलर का मैंने सूट इस तरह का दिखाया उसका दुपट्टा जो है मैंने पिको करने के लिए उसी वक्त मैं भूल रही थी, दोबारा फिर मैं वो दुपट्टा देख कर ना वो पिको करवाने के लिए लिया देख दिया है। अभी बहुत सारे मैं दुपट्टे रहते हैं पिको करवाने के लिए, वो भी दूंगी, और बाकी भी इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये हो गया एक सूट लहबा का हो गया, तो अभी लहबा का दूसरा सूट दिखाती हूँ मैं अपने बाद में एंड में दिखाऊँगी लहबा का ये। हाँ ये लहबा का सूट है, एक सेकेंड ये इसका दुपट्टा ये देखो।
तो आप सब बहन भाई भी कहते हो कि समावे को तेज कलर करे, इसलिए मैंने समावे का, हालांकि लहबा और समावे को ना सेम मेचा मतलब लंबाई में आता है, चुड़ई में तो खैर उसको ज़्यादा होता है लेकिन लंबाई में सेम मेचा इनका आता है समावे का और लहबा का, तो इसलिए मैंने समावे के ना ये वाला ऑरेंज कलर सिलेक्ट किया क्योंकि ये तेज़ कलर था, इसलिए मैंने अच्छा लगेगा वो पहना भी समावे नहीं है और लहबा ने ये वाला कलर नहीं पहना, मैंने लहबा का ये वाला ले लिया, ये वाला मैंने पहना भी नहीं है कभी, वो डिज़ाइन और है, ये वाला डिज़ाइन और है, ये लहबा का सूट है ना, हाँ ये फ्रॉक बने हुए हैं, ये फ्रॉक और ये बैक, ये बैक साइड है, ये दूसरा सूट हो गया लहबा का और ये साथ में सलवार हो गई और ये जो है ना दुपट्टा हो गया साथ में, ये देखो ये दूसरा रेशमी दुपट्टे हैं ऊपर सारे, तो ये हो गए सब बच्चों के कपड़े सबके, ऐसे ना सबके हो गए हैं ना, कोई रहता तो नहीं है। अच्छा भाई का सूट जो है ना वो कल मिलेगा, उन्होंने कहा है कि सिलाई जो है ना वो कल करके देंगे क्योंकि भाई के कपड़ों की जो सिलाई है ना, एक तो जितने मर्दों के कपड़ों के ऊपर पैसे मिलते हैं उतने इनकी सिलाई ज़्यादा लगती है पैसों की ना, बहुत ज़्यादा महंगे वो सिलाई करके देते, तो अभी उनको दे दे थोड़ा, इसलिए एक सेकंड मैं अपने दुपट्टे निकाल लूँ इसमें से, तो फिर मैं आपको आप सब बहन भाई को अपने कपड़े दिखाती हूँ, एक और दिखाती हूँ, अबू का अलमारी में पड़ा हुआ है, ले आओ। अच्छा ये वाला सूट जो है ना मेरा है, एक अपना भी दिखा दूँ मैं, पहले हल्के कलर लिया है, ये वाला एक हल्का कलर लिया है, ये देखो ये एक सूट, ये फ्रंट और ये बैक लोन कर लिया है बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं तो फिर यहीं कपड़े चलेंगे ना, और ये शलवार हो गई और ये इसका दुपट्टा हो गया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, जैसे मैंने अपने लिए हैं वैसे सबके लिए हैं, और अभी एक और सूट है ब्लू कलर का जी, हाँ ये तो दूसरा सूट जो है ना वो मेरा ये वाला है, अच्छा इसमें ना कुछ थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, मैंने कहा चलो एक तो होना चाहिए ना, तो देखूंगी या ये पहनूंगी या ये वाला पहनूंगी, पहनूंगी या नहीं पहनूंगी ये भी नहीं पता, ये बहुत अच्छा है, ये भी प्यारा है ना, हाँ ये सूट ये इसके बैक पे, हालांकि वो ये वाला जो सूट है ना वो अच्छे वाला है, ये हल्का सूट है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा शो आने की वजह से, ये इसकी कमीज शर्ट होगी और ये दुपट्टा इसका पड़े हुए हैं, ये अलमारी में पड़े हुए और ये इसकी सलवार हो गई, तो ये दो सूट मेरे हो गए, तो बस इतने ही थे हमारे शॉपिंग ईद की, तो आप सब बहन भाई ने बतानी है कैसी लगी है, और अभी अबू का सूट आ जाए वो भी दिखाते हैं, कौन सा निकल रही है अबू का सूट है जी, इसको मैं खोलूंगी नहीं, पैक है तो हमें पता भी नहीं है कब इन्होंने सिलाई करवाई है कब लेकर आया कोई पता नहीं है, बस कहते हैं कि मेरा सूट आ गया है, सिलाई नहीं होती, और भाई ने अपने शूज भी, भाई अपना जूता दिखाओ ले आओ। अच्छा जी आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई है ना, अबू से पैसे लिए हैं, अबू से कहा है कि मैंने शूज लेना है अपने लिए, भाई ने कहा है तो ज़िंदगी में पहली बार भाई अपने लिए शूज़ लेकर आए हैं, तो मुझे इतना कोई वो पसंद आया ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ने ना अपने लिए खुद ये मतलब कि पसंद किया है, ये देखो जी ऊपर कपड़ों के ऊपर ना रखो कपड़े, इसको कितने का दिया है उन्होंने, 1200 का, बहुत ही ज़बरदस्त ये कितना प्यारा लगा, भाई के पाँव वैसे भी वाइट हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे, तो फिर जूते और चूड़ियाँ वगैरह जो है वो बच्चों की रहती हैं वो इन शरीर के एक दो दिन पहले हम जाएंगे, समावे को भी चूड़ा पहनानी है, अमन को भी चूड़ा नहीं पहनी, मैंने घड़ी पहनी, चूड़ा मैंने पहने नहीं, अच्छा घड़ी लेनी है, चलो आपको घड़ी ले देंगे, और इन दो बच्चों को ना चूड़ा पहनाने के लिए लेकर जाऊँगी बाजार, ठीक है, और मेहंदी भी लगवाऊँगी हाथों पर दोनों को, मेहंदी आपको भी लगवाऊँगी इंशाल्लाह, और अम्मी आपको कैसा लगा सूट, सही है आपका, तो आप सब ने बताना जरूर है कि हमारी ईद की शॉपिंग आप सब बहन भाई को कैसी लगी है, ये थी हमारी शॉपिंग थोड़ी सी, बस दो सूट लिए हैं लेकिन दो सूट लेते रहते ना, फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है तो टाइम लग जाता है इनको सिलाने में लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है फिर, और माशाल्लाह से सारे कपड़े मैंने ऐसे लिए हैं कि घर में भी पहन सकते हैं बंदा, ऐसे भी ईद में आपको पता है हम बाहर जाएंगे कहीं तो फिर तो और भी इनके पड़े हुए हैं रेडीमेड सूट वो भी पहन लेंगे, या इनको इनमें से दिल करेगा यहाँ से पहन लेंगे बच्चे, वो कोई मसला नहीं है, तो आप सब ने बताना ज़रूर है कि आप सबको शॉपिंग कैसी लगी है, माशाल्लाह समावे के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और अहमद के भी प्यारे हैं, लहबा के भी सबके बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, आपके प्यारे हैं बहुत जी, आपके कौन सा पहनोगी ईद वाले दिन, ये वाला, आपने मैं तो वो ये वाला पहनूंगी, ये जो ऐसा है ब्लैक नीचे पड़ा हुआ है, ब्लू है ब्लू, एक साथ पहन लेंगे वही जो तीनों एक जैसे हैं, ईद आए तो एक साथ पहन लेंगे, यही पहनूंगी मैं भी, चलो जो भी पहना जो आपका दिल करे वही पहनना, ये पड़ा है प्लैक, लेकिन ये वाला जो सूट मैंने सेम लिया है ना तो ये आप एक ही दिन पहने, एक ही दिन पहने दूसरे दिन पहनेंगे, ठीक है चलो जैसे आपको सही लगे,
कपड़े पसंद आए इस वाले? हाँ, जी कपड़े बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। तो अभी इनको लिपेट के रखते हैं सबको, क्योंकि सारे बिखर गए हैं तो सबको लिपेटना है। अभी मैंने लिपेट के चलो आप खाना वगैरह बनाओ, जाओ तैयारी करो। मैं आटा गूंदूंगी, आटा गूंदूंगी। अच्छा जी, अच्छी बात है, काम करनी चाहिए घर के ना। लैबा खाना बना रही है तो मैं भी साथ में मिलकर काम करवाऊंगी। अभी ये लिपेट लूँ, अभी इफ्तारी में टाइम रहता है, एक घंटा पूरा रहता है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। असल में मुझे ना वहाँ पे उठाने में ना देर लग गई कपड़े, फिर इस वजह से। अभी मैंने आप सब बहन भाइयों को कपड़े जो है ना वो दिखा दिए, शॉपिंग जो मैंने ईद की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसके अलावा जी ये बाथरूम का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह। और जो मैंने जैसा कि आपको मैंने कहा था कि हम शुरू, कैसी हो रही है यहाँ के ऊपर काला क्यों किया हुआ है? अच्छा जी, ये बाथरूम ना हमने अभी तक इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ये बनेंगे न्यू तो फिर इनको तोड़ देंगे, तो ये जगह बिल्कुल खुली हो जाएगी। ना करो मुजम्मिल, जब से ये बनाया है ये सारा दिन मट्टी से खेल खेल के कपड़े चेंज करवाते फिर ये गंदे कर देता है। मुजम्मिल ना करो, बाथरूम हमारे माशाल्लाह से बन जाएंगे। और ये जगह है ना ये भी पक्की करवानी है पूरी, ये काफ़ी बड़ी जगह है तो ये भी पक्की करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये क्योंकि ये पक्की होगी फिर सारा पक्का होगा, ये कच्चा होगा तो फिर जहाँ से जो आएंगे वो मट्टी लेकर यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए अब कमरे माशाल्लाह से सारे साफ़ सुथरे हो गए हैं, अब रोज़ाना माशाल्लाह हम सफाई करेंगे घर की। ईंटें वगैरह हमारी सारी आ गई हैं, ये देखें ये दरवाज़ा भी हमने यहाँ पे तोड़ के रख दिया है, वहाँ से यहाँ पे जो हमारा दरवाज़ा था वो हमने तोड़ कर भी फैला जहाँ पर रख दिया, क्योंकि इसको लगाएंगे दरमियान में, वहाँ पे कुछ जगह अच्छी सी जगह दरमियान में बनाएंगे, वहाँ पे ऊपर लंटर वगैरह डाल के वहाँ पे हमने बनाना है दरवाज़ा दोबारा से। यहाँ पे एक कॉर्नर में ना बाथरूम आ जाएंगे एक साइड पर, और जो वो बनाते हैं ना जिसकी खुदाई करते हैं तो हौजी होती है जो वो बनाते हैं, वो पीछे हौजी बन जाएगी बाहर दीवार के बाहर बन जाएगी। तो ये देखिए अभी ये फ़िलहाल डर भी लगेगा रात को, यहाँ से सब कुछ ख़त्म। चला बाथरूम जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे, आगे बरामदे बरामदा नुमा बनाएंगे बाथरूम, बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे इंशाल्लाह। आप सब बहन भाइयों की दुआओं से, आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट से इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाइयों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल 27 का रोज़ा है माशाल्लाह से, तो आप सब ने मेरे लिए हमारी फैमिली के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है। अल्लाह पाक आप सब मेरे बहन भाइयों को सलामत रखे, जो भी रोज़े रख रहे हैं, जो मेरे बहन भाई इबादत कर रहे हैं, सबकी बातों को दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।